जब भी कोई आपको मीटिंग शेड्यूल करनी होती है, आपको उसके लिए आपका कैलेंडर ओपन करना है। कैलेंडर ओपन करने के लिए जिस दिन भी आपको मीटिंग शेड्यूल करनी है, उस डेट पे जाने के बाद आपको जो भी टाइम पे है उस पर क्लिक करेंगे। आपको जो भी मीटिंग का टाइटल रखना है, जैसे अभी आप ओबी बेच लेने वाले हैं तो आपने ओबी लिखा एंड सिटी नाम का नाम लिख दिया, जिससे आपको पता रहेगा कि आप किस सिटी का बैच लेने वाले हैं। फिर नीचे आपका आ जाएगा जो भी डेट आपका ट्रेनिंग का स्टार्ट डेट है, उस डेट को आप लिख देंगे। देन यहाँ पे टाइम, जो भी ट्रेनिंग टाइम आपका स्टार्ट होता है 9:30, आपने 9:30 ट्रेनिंग टाइम लिखा और एंड टाइम लिखा 6 o'clock तक। तो ये आपका इतने टाइम के लिए आपका कैलेंडर ब्लॉक हो जाएगा। अभी जैसे आपका ऑल डे ट्रेनिंग है तो आपको ऑल डे पे क्लिक करना है। जैसे ही आप ऑल डे पे क्लिक करेंगे तो ये आपके सारे दिन के लिए रहेगा, लेकिन ऑल डे नहीं है आपका ट्रेनिंग। आपका ट्रेनिंग है किसी जैसे मंडे टू फ्राइडे, तो आपको एवरी वीक डे पे क्लिक करना है। एवरी वीक डे पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको नीचे जहाँ एड गूगल मीट वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग लिखा है, उसके साइड में एक ऑप्शन है, उस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे किसके थ्रू आप अपना ट्रेनिंग लेने वाले हैं, तो ट्रेनिंग जूम के थ्रू होता है, तो जूम मीटिंग पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप जूम मीटिंग पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे ऑटोमेटिकली आपका ज्वाइनिंग आईडी एंड पासवर्ड आ जाएगा। तो जब भी अगर आपका कोई भी मीटिंग या आपका ट्रेनिंग ज्वाइन करना चाहता है, वो आपके कैलेंडर में जाके चेक कर सकते हैं और उनको आईडी पासवर्ड वहां से मिल जाएगा। फिर उसके बाद आपको जैसे ही आपने ये सारा चीज़ डाल दिया, देन सेव करना है। जैसे ही आप सेव करेंगे, आपका मीटिंग या ट्रेनिंग शेड्यूल हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि अभी ये 23rd को मैंने आज किया है, 23rd को मैंने मंडे टू फ्राइडे किया था, इसलिए सैटरडे संडे कोई भी ट्रेनिंग का टाइम नहीं है। लेकिन मंडे फिर 26 से 30th के बीच में फिर से मेरा कैलेंडर ब्लॉक है। तो इस तरीके से आपका एक ही मीटिंग आईडी, जूम मीटिंग आईडी हमेशा बना रहेगा। आपको कभी भी किसी को बार बार देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, नया नया मीटिंग आईडी एंड पासवर्ड देने की। थैंक यू।